लोगों ने कहा था 14 साल श्री राम जी ने वनवास काटा, नहीं 500 साल बाद वनवास काट के आज अपने घर लौटे हैं अयोध्या में श्री रामचंद्र जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी नाच रहे हैं और सबको दिए बांट रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको तस्वीरों में इसके प्रमाण देते हैं। प्रभु श्री राम का आगमन जब अयोध्या में होता है तो जम्मू में भी जोश कम नहीं है। भगवान हनुमान को सबसे बड़ा भक्त जो है प्रभु श्री राम का माना गया है और जम्मू में उनका स्वरूप धारण किए हुए कलाकार लगातार जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार की खुशी है, किस प्रकार का जोश है और किस प्रकार आज एक उत्सव की तरह ये लोग जो है इस एक दिन को मना रहे हैं। आज दिवाली मनाने का दिन है और आज ही ईश्वर का आशीर्वाद पाने का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन अयोध्या में हुआ है। संपूर्ण भारतवासी आज अयोध्या की तरफ नजरें जो है वो टिकाकर बैठे हुए हैं क्योंकि आज का दिन बार बार नहीं आएगा। देशवासियों को, जम्मू वासियों को जय श्री राम। आज बड़ी खुशी की बात है, जो 500 साल हमारे राम जी आज अयोध्या में लौटे हैं, घर घर में दिवाली। देखिए श्री राम जी का भगत बजरंग बली आज श्री राम जी को प्रणाम करें, श्री राम जी के लिए आज इन्होंने अपना स्वरूप धारण किया है। ये देखिए इनकी सेना, बड़ी खुशी की बात। देखिए जम्मू शहर में गली गली में लंगर लगे हैं, शहरों में लंगर लगे हैं, मंदिरों में देखिए आज शाम को देखिए दिवाली, बम पटाखों के साथ लोग दिवाली मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। आज देखिए शहीदी चौक ऑटो स्टैंड में लंगर लगा हुआ है। पहले सुबह हमने हलवे का लंगर लगाया, फिर हमने गुलाब जामुन का लंगर लगाया, फिर हमने चने पूड़ी का लंगर लगाया। देखिए शहर में गली गली में लंगर लगे हैं। आज सारे जम्मू वासियों देशवासियों को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ और, लोगों ने कहा था 14 साल श्री राम जी ने वनवास काटा, नहीं 500 साल बाद वनवास काट के आज अपने घर लौटे हैं अयोध्या में श्री रामचंद्र जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।